Well, a very good morning to everyone. This is Navneet Kaur and I'm going to teach you unit 2, that is generalized coordinates. And in this is your basically paper 1, in which we are going to discuss unit 2, that is based on generalized coordinates. Students, we have already discussed about degrees of freedom, so I am not going to repeat that topic as I have already discussed that topic in the previous unit, and that was done in the last part of unit 1. So you can revise that topic from that video of mine too. So students, now I am going to discuss with you the unit 2, and this is generalized coordinates. What are generalized coordinates? These are the set of independent coordinates sufficient in number to specify the configuration of the system. ये एक ऐसे independent coordinates होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर depend नहीं करते, जो sufficient in number होते हैं specify करने के लिए configuration किसी भी system की. configuration का मतलब है position बतानी है आपने, time बताना है कि एट अ टाइम जो बॉडी है किस पोजीशन पे पड़ी है, किस टाइम पे पड़ी है. तो यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन टर्म जो है वो स्पेसिफाई कर रही है. तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ऐसे सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ही हैं ये, जैसे हम एक्स वाई और जेड एक्सिस की बात करते हैं, जो स्पेसिफाई करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पूरा का पूरा आपने सिस्टम जो लिया हुआ है. तो वो कह रहे हैं कंस्ट्रेंड इक्वेशन यील्ड बिकम, अगर आपने कोई भी कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है उसके ऊपर, इसका मतलब अगर हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़े हैं जिस कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज बाय विच ए पार्टिकल कैन मूव फ्रीली, अब वो कह रहे हैं कि एन कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं तो उसके पास तो कितने इंडिपेंडेंट वेज हो जाएंगे, 3n-n. तो वो कह रहे हैं अब कंस्ट्रेंट जो इक्वेशन बन जाएंगी इसमें, कंस्ट्रेंट इक्वेशन यील्ड बिकम्स, मतलब कंस्ट्रेंट इक्वेशन बन जाएगी इसमें. अगर आप लिखना चाहोगे इसके लिए हमने एक और भी जो है यहाँ पर एक R1 वेक्टर ले लिया है, RI इकट्ठा करके लिखना है. तो हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कैसे शो किए जाएंगे, Q1, Q2, Q3 अप टू सोन Q ऑफ, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में हमने लगा दिया है कंस्ट्रेंट, इसलिए यहाँ आ जाएगा 3n-n nth टर्म के लिए, T. जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आर फुली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये हर एक के अपने अपने पार्टिकुलर वैल्यू है इसलिए क्या होंगे, एक दूसरे से फुली इंडिपेंडेंट होंगे. सेकेंड जो इसमें है जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है Q1, Q2, Q3 अप टू सोन Q(3n-n) सॉरी वेर I इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 अप टू सोन 3n-n. आई की वैल्यू ये है आपके पास Q(i), इकट्ठा करके लिखोगे तो 1, 2, 3, nth टर्म क्या है 3n-n, तो कहाँ तक चली आई की वैल्यू 1, 2, 3 अप टू सोन 3n-n. तो अगर आप इसका टाइम डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर Qi. किसके इक्वल आ जाएगा, आपने Qi है आपने इसको क्या लिख देना है dQi/dt, i इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 अप टू सोन. ये आखिर में जो f लगाया गया है वो कह रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, दीज आर कॉल्ड एज जनरलाइज्ड वेलोसिटीज. ठीक है, तो आपके पास वैसे भी आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन इज नोन एज वेलोसिटी. तो ये जो कोऑर्डिनेट्स जनरल कोऑर्डिनेट्स अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स नहीं कहलाएंगे, सिंपली ये कहलाएंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं तो सिंपल. जनरलाइज्ड वेलोसिटी बतानी है तो उसको टाइम से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट. तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी हो जाएगी. आगे वो कह रहे हैं 3 प्रिंसिपल जो उनसे हैं शुड बी टेकन इनटू द अकाउंट फॉर चूजिंग सूटेबल सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. वो कह रहा है अगर आपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के सेट को चूज़ करना है तो आपके पास ये जो प्रिंसिपल्स आपको 3 बताए जा रहे हैं ये आपने ध्यान में रखने पड़ेंगे. पहला है दे शुड स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम. एक तो उनको कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम पूरी पता होनी चाहिए, मतलब पोजीशन टाइम ये सब पता होना चाहिए. फिर वो कह रहे हैं दे मे बी वेरिड आर्बिट्ररी, उनकी वैल्यूज जो हैं वो आर्बिट्ररी तो चेंज हो सकती हैं
और इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होंगे, लेकिन वो ऑलरेडी मैंने वाला पॉइंट डिस्कस कर लिया है, आपने वैल्यूज 1, 2, 3 अप टू सोन 3 एंड माइनस एन तक ली हैं, और वो दोनों जो है जितने भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, देर शुड बी नो यूनिकनेस इन द चॉइस ऑफ, वो कह रहे हैं कि सेम नहीं होने चाहिए, तभी तो इंडिपेंडेंट होंगे जो आप चूज़ करोगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो ये सब था आपके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। अगर इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि इसके फिर एडवांटेजेस क्या हैं, तो आपने ये चीज़ लिखनी है, द चॉइस ऑफ सूटेबल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स मेक्स अ मैथमेटिकली कैलकुलेशन ईजियर बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इक्वेशंस फॉर द प्रॉब्लम। ये जो सी है, नंबर ऑफ इक्वेशंस रिड्यूस हो जाती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपकी इजीली सॉल्व हो जाती हैं, द इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी सोल्व इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, बिकॉज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर ऑल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैविंग नो इफेक्ट ऑन देम। द इक्वेशंस ऑफ मोशंस को क्या बोला जाता है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशंस विद द हेल्प ऑफ विच एनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कोई भी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करी गई है, उसको आप नए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर सकते हो। नाम से पता चल रहा है ना, ट्रांसफॉर्म करवाना, चेंज करना इक्वेशंस को। तो कह रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को अगर आपने नई फॉर्म में लिखना है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यूज़ करोगे। एग्जांपल इसे लिया हुआ है, लेट आयथ पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम हैव एक्स आई वाई आई एंड जेड आई एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, देन दीज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स Q1, Q2, Q3 अप टू सोन Qf, T, वे T इज टाइम। आगे वो कह रहे हैं अगर आप एक्स आई लिया हुआ है आपने, ठीक है, अगर आपने एक्स आई लिया हुआ है उसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, वो कह रहे हैं एट आई पार्टिकल सिस्टम है एक्स आई वाई आई जेड आई एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, देन दीज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ, उसको हमने किस में लिखना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है एक्स आई वाई आई जेड आई, इसको हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना है, तो आपने Q1, Q2, Q3 अप टू सोन Qf, T सेमी कॉलन करके आपने वाई जेड को भी इस तरह से लिखा जाएगा, yi q1 q2 q3 up to zone qf comma semicolon t, इसी तरह से zi लिखा जाएगा q1 q2 q3 up to zone qf comma semicolon t। तो ये तो था आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती है आपके पास। अब जो नेक्स्ट है आपके पास इसी में है, इसका कॉन्टिन्यूशन है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का, दीज इक्वेशंस जो हमने अभी ट्रांसफॉर्म करी हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में, इसे क्या बोला जाता है, दीज इक्वेशन आर नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। वो कह रहा है इफ़ आर आई बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम, तो मुझे पता है आर आई को कैसे लिख सकते हैं, एस आई एक्स आई कैप, वाई आई जे कैप, जेड आई के कैप। वो कह रहे हैं जहाँ आई कैप, जे कैप और के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, तो आप आर आई को किस तरह से लिख सकते हैं, ये कोमा है, डॉट नहीं है, तो आर वन को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ आर वन क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू एफ तक सेमीकोलन टी, इस तरह से आर टू को इधर आर टू के इक्वल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख दिया, आर ऑफ एन एथ को Q1, Q2, Q3 ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये थे आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, फिर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आई आपके पास, उसके बाद हम जो करेंगे वो है जनरलाइज नोटेशंस। तो सबसे पहले जो नोटेशन है वो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट की है, वो कह रहे हैं कि लेट अस कंसीडर ए कैपिटल एन पार्टिकल, वो कह रहे हैं कैपिटल एन पार्टिकल लेना है फॉर विच स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा ऑफ आर आई, स्मॉल के लिए हम डेल्टा यूज़ करते हैं, इज डिफाइंड बाई चेंज इन पोजिशन कोऑर्डिनेट्स, डिस्प्लेसमेंट करनी है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज इन पोजिशन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जहाँ पर आपके पास आर आई
पोजिशन कोऑर्डिनेट्स क्या है, आपके पास आर आई है, आई की वैल्यू 1, 2, 3 अप टू सोन कैपिटल लेंथ तक जाएगी। वह टाइम टी जो सा आपका वो क्या रखा गया है, ये मानोगे ये टाइम को क्या रखा गया हुआ है, कॉन्स्टेंट। द पोजिशन वैक्टर आर आई ऑफ द आईथ पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिटन एज। अब आर आई को आपने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? मुझे बताया है आर आई में आर आई ऐसे लिखते हैं, जैसे आपने आर वन के लिखना है आर वन, तो आर वन, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू एफ कॉमा टी। इसी तरह से यहाँ से अगर आपने आर आई के लिखना है तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू एफ टी, वेयर एफ इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो आगे क्या ही कह रहे हैं, अब आपने लगानी है एलर्स थ्योरम। एलर्स थ्योरम यहाँ पर आप डायरेक्ट यूज़ करोगे, दिस इज़ फिजिक्स नॉट मैथ्स, तो हम यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करेंगे एलर्स थ्योरम की। आपने बस ये ध्यान रखना है अगर यहाँ पर आ रहा है आपके पास कर्ली ऑफ आर आई, ठीक है, तो इधर ये है पार्शियल, इधर कर्लियर, इधर भी कर्ली आर आई आएगा, इधर ऊपर कर्ली, नीचे भी कर्ली, इधर क्यू वन, इधर सेम सेम आते जाएंगे। ये देखिए ये भी कर ली क्यू टू, क्यू टू, ये लिखने का तरीका है इसको, इधर सेम सेम चल रहा है, कर्ली आर आई, कर्ली आर आई, इधर कर्ली आर आई, ये दोनों सेम होंगे, कर्लियर और डेल्टा क्यू के, दिस इज़ बाय एलर्स थ्योरम। तो हमने इस इक्वेशन वन को इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है बाय एलर्स थ्योरम। तो इसको जब कंबाइन करके लिखा जाएगा, कितने थे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तक लिए हुए हैं, एफ तक चल रहा था हमारे पास सिस्टम, तो डेल्टा ऑफ आर आई किसके इक्वल हो जाएगा, के इज इक्वल्स टू 1 to f, कर्ली आर आई बाय कर्ली क्यू के, डेल्टा ऑफ क्यू के, वे क्यू के इज कॉल्ड जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट इफ क्यू के इज टेकन एज एंगल कोऑर्डिनेट। वो अगर कह रहे हैं कि अगर क्यू के को एंगल कोऑर्डिनेट लोगे तो डेल्टा ऑफ क्यू के इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो कह रहे हैं डेल्टा डिस्प्लेसमेंट मानी जाएगी और कर्ली ऑफ क्यू के जोन सी है आपके पास वो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये आपके पास थी जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है आपके पास जनरलाइज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट्स। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब हो गया डिवाइड कराना है टाइम के साथ, और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का मतलब डिस्टेंस हो गया। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को रेट ऑफ चेंज जब लिखा जाएगा तो क्या बन जाएगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। अब मेरे पास स्टूडेंट्स ऑलरेडी वी आई है, मुझे पता है डी आर आई बाई डी टी होता है, मतलब आर आई डॉट है फ्रॉम इक्वेशन वन, मैंने अभी लिखा था आर आई डॉट, आर आई था मेरे पास किसके इक्वल, आप देख सकते हैं यहाँ से आर आई था इक्वेशन वन से इसके इक्वल। इसको एक बार ही जब डिफ्रेंशिएट करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो वी आई आर आई डॉट, एलर्स थ्योरम लगा देंगे, क्या आ जाएगा, कर्ली आर आई क्यू, कर्ली ऑफ क्यू के, ठीक है, और इधर भी क्या आएगा, कर्ली ऑफ क्यू वन, इधर कर्ली ऑफ क्यू वन, इधर भी कर्ली ऑफ क्यू वन, कर्ली ऑफ क्यू टू, कर्ली ऑफ क्यू टू, अगेन कर्ली ऑफ दिस, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, कर्ली ऑफ क्यू एफ, कर्ली ऑफ टी। अब यहाँ पर एक टर्म जो साथ में जुड़ी है, हमने टाइम के साथ किया है लेकिन टाइम तो यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए ये वाली टर्म भी साथ में लिखी जाएगी, प्लस कर्ली आर आई बाय कर्ली टी, ठीक है, क्योंकि टाइम जो है वो क्या लिया हुआ है, कांस्टेंट चल रहा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो कर्ली आर आई बाय कर्ली क्यू वन, फिर इसको कैसे लिखा जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट कराया है टाइम के साथ तो इसको लिखेंगे क्यू वन डॉट, कर्ली आर आई बाय कर्ली क्यू टू, इसको एक बार डिफरेंशिएट कराया तो क्यू टू डॉट, कर्ली आर आई बाय कर्ली क्यू एफ, क्यू एफ डॉट, कर्ली आर आई बाय क्यू कर्ली टी, इसको छोड़ देंगे ब्रैकेट वाला अंदर जो उनसे उसको डॉट्स में कन्वर्ट कर लिया, तो वी आई आर आई डॉट के इक्वल आ जाएगा समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to f। तो इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं कर्ली आर आई बाय कर्ली क्यू के, और ये क्यू के डॉट के इक्वल हो जाएगा, प्लस ये ऐसे एज इट इज चलेगा, फिर क्यू के डॉट आर कॉल्ड जनरलाइज्ड वेलोसिटी है आपके पास फॉर नॉन कंस्ट्रेंट सिस्टम
generalized velocities are given by r I dot k is equal to 1 to 3 n curly r I by curly q k, q k dot curly r I by curly t. This is equation number 4. अब देखो ये आपके पास जो इक्वेशन आई है फॉर नॉन, ये तो था आपके पास जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या है, आपने कंस्ट्रेंट लगाई हुई है, ठीक है. तो अगर आपके पास नॉन कंस्ट्रेंट सिस्टम है तो उस केस में एफ की बजाय नॉन कंस्ट्रेंट सिस्टम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स फ्रीली मूव करेंगे तो यहाँ पर के की वैल्यू 1 से लेकर 3n तक हो जाएगी, इसलिए और सारी इक्वेशन सेम रहेगी. तो यहाँ पर इंटीग्रेट चेंज आएगा अगर नॉन कंस्ट्रेंट सिस्टम के लिए केस निकाल रहे हो तो उस केस में यहाँ 1 से लेके 3n तक हो जाएगा, ना कि f होगा, ठीक है. सो ये जो इक्वेशन बनी है वो किसके लिए है, नॉन कंस्ट्रेंट सिस्टम के लिए. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है आपके पास स्टूडेंट्स जर्नलाइज्ड एक्सेलरेशन. पता है हमने ये पहले टर्म्स यूनिट 1 में डिस्कस करी हुई हैं. एक्सेलरेशन देखो, सबसे पहले हमने किया डिस्प्लेसमेंट, फिर की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट से आई वेलोसिटी, वेलोसिटी से अब आएगी एक्सेलरेशन. इट इज़ डिफाइंड एज टाइम डेरिवेटिव ऑफ जनरलाइज्ड वेलोसिटी फॉर नॉन कंस्ट्रेंट सिस्टम. अभी मैंने निकाला ये तो वही लिख दिया उठाकर. अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कराना पड़ेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन. तो डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक बार डिफ्रेंशिएट कराया हुआ है, एक बार और करवाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, आर आई डबल डॉट डी बाई डी टी, इस पूरे का लगा दिया, ठीक है. अब इसकी डिफरेंशिएशन हम करवाएंगे, देखो कैसे होगी. इसको सबमिशन को बाहर निकाला, कांस्टेंट है डी बाई डी टी कर्ली आर आई बाई कर्ली क्यू के, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करवाया, ये ऐसे चलेगा. फिर अब ये वाला ऐसे चलेगा और इसको एक बार इसको यू वी रूल लगा दिया तो ये वाला ऐसे ही चला, और एक बार इसको इधर आ गया क्यू के डबल डॉट डी बाई डी टी ऑफ दिस, तो ये पूरा एज इट इज चला गया साथ में. आगे देखो, अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करवाया है, उसका आर आई डॉट लग गया, क्यू के डॉट आ गया. इसी तरह से इसका, ये तो सिंपल ही है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कराया तो इसका यहाँ एक डॉट आ जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. अब वो कह रहा है जो तुमने आर आई डॉट की वैल्यू निकाली थी ना सबसे पहले जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट में, उधर से फ्रॉम इक्वेशन 4 इस इक्वेशन में पुट करवा दो. कुछ नहीं करना, आर आई डॉट की जो वैल्यू थी ना तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 4 से, ये वाली पूरी बड़ी की बड़ी वैल्यू इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ तुम्हें आर आई डॉट दिखाई दे रहा है यहाँ, ठीक है. एक यहाँ, जैसे एक यहाँ दिखाई दिया तो एक यहाँ पुट कर दिया, बाकी इक्वेशन ऐसी एज इट इज़ लिख दी, ठीक है. तो ये पुट करवा देंगे तो आपके पास बनेगा समीशन k इज इक्वल टू 1 to 3n, j इज इक्वल टू 1 to 3n, करली बाय करली क्यू के, करली r i बाय करली क्यू जे. तो एक बाय i k इज इक्वल टू 1 to 3n, एक बाय j इज इक्वल टू 1 to 3n, करली स्क्वायर r i करली क्यू के, करली क्यू जे, क्यू जे डॉट, ठीक है. अब क्यू के डॉट तो है ही, मल्टीप्लाई में वो भी आएगा साथ में, प्लस समीशन k इज इक्वल टू 1 to 3n, कर्ली स्क्वायर कर्ली बाय कर्ली क्यू के, कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली टी स्क्वायर. तो कर्ली स्क्वायर आर आई बाय कर्ली क्यू के, कर्ली टी क्यू के डॉट, ठीक है, प्लस. अब ये हमारे पास लग गई इक्वेशन, अब ये भी चल रही है साथ में. तो यहाँ भी हमने पुट करवाया, ये है कर्ली आर आई बाय कर्ली क्यू जे क्यू के, ये था आपके पास, ये आ गया ना क्यू के डॉट वाली. अब यू वी रूल हम लगा देंगे इसको, जब आप सॉल्व करोगे डिफरेंशिएट करवा देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है. कुछ नहीं किया हमने, इसको बस एक बार डिफरेंशिएट और करवा देंगे और आपके पास क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 6 विच इज़ अ रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन. तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स किया जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले उससे भी पहले जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, फिर उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, देन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस करी, उसके बाद जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, देन जनरलाइज वेलोसिटी, फिर जनरलाइज एक्सेलरेशन. तो सारी की सारी डेरिवेशन एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं. तो फिर स्टूडेंट्स दीज आर
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये जो हैं आपके कंसेप्चुअल में आ सकते हैं क्वेश्चंस, इसलिए दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट वीडियो, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी प्रिसाइसली एंड वेरी एक्यूरेटली एंड बी केयरफुल. थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड. फॉर एनी क्वेरी आई विल कॉल यू. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.